इधर आने दो, आने दो, सही है। ये देखो तो भाई फाइनली लोकेशन हो गई है फाइनल, और ये है हमारी आज रात की लोकेशन। तो इधर है ना प्रेम भाई की वाइफ भी आ गई है, ये एक्चुअल में यहाँ से ट्रेवल कर रही थी, तो इन्होंने ये देखो यहाँ पे जो लोकल जो फूड होता है ना, ये एक्चुअल में इनके फेस्टिवल पे बनाते हैं। ये वॉशरूम यूज करने के लिए, और हमने संभाल लिया चार दोनों भाइयों ने, तो अब हम कर रहे हैं कुकिंग। और वो देखिए पहाड़ पे क्रिकेट, मतलब देखो किस कंडीशंस में खेलते हैं लोग जी। आपको दिख रहा है एक एक टीम नीचे खेल रही है, ये देखिए। तो भाई हमारा सोने का सेटअप भी हो गया रेडी, ये देखो ये 4x6 का है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम रुके हुए एक हिमाचली होम में, और बस हम जस्ट अभी उठे हैं। और इधर राज भाई लग गए हैं अपने काम पे, ये देखो भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैसे हो। और ये देखो ये इधर इस साइड का नज़ारा है, और आपको दिखाएं, अगर आपको छत से दिखाते हैं ना तो आपको दिख जाता पूरा, मैं आपको छत से दिखाता हूँ। तो भाई ये जो ये है वो एग्जॉस्ट पाइप, जो नीचे हम तंदूर के पास में बैठे हुए थे ना, वो उसका धुआं ये देखो निकल रहा ना आपके सामने दिख रहा हो। ये गर्म है यार। और ये इनका इनका देवता है जो मंदिर है इनका अपना, तो यहाँ पे हर घर में अपना एक पर्सनल देवता होता है। आके मजा आ गया है एक नंबर, मतलब एक तो अलग वाइब से यहाँ पे। पीछे बहरी रिवर आप देखो कितनी मजेदार, अब भी देख रहे हो ये देखो खूबसूरत रिवर है। ये देखो ये है सुबह की वाइब देसी पहाड़ी घर में, बट एक्चुअल में क्या हो रखा है ये देखो आप, यहाँ पे जितने भी नीचे घर देखोगे ना ये सभी न्यू डिज़ाइन के बने हुए हैं, क्योंकि ये न्यू हाउसेज हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर देखोगे ना ये गांव है और ऊपर है कहीं, जैसे आप इधर देखिए ये जो दिख रहे हैं ये ओल्ड हाउसेज हैं, क्योंकि अब है ना एक नया कल्चर चला हुआ है कि लोग है ना रोड के आसपास ही ज़्यादा शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि लोग आजकल बिजनेस करने लग गए हैं, बाहर ट्रैवल करने लग गए हैं, तो उसके कारण है ना लोग ज़्यादातर लोग हैं ना वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आसपास रेजिडेंस बनाएं, और उसी के आसपास लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ये अभी हर जगह का ही कल्चर है, क्योंकि पहले गांव में लोगों को कहीं ट्रैवल करना नहीं होता था, सिर्फ आपस में कनेक्ट रहना होता था, तो गांव में रहते थे, पहाड़ों पे टॉप में रहते थे, क्योंकि फिर उन्हें उतरने की या वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो सामने गाय कहाँ गई हुई, बिल्कुल हिल टॉप पे, और पहाड़ देखो आप कितना ज़बरदस्त है। अगर आप इसको देखोगे ना तो भाई ये यहीं के जानवर ही कर सकते हैं ऐसे पहाड़ों पर चढ़ना। और इधर अंदर शेवी भी उठ गई है। शेवी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो शेवी। अरे वाह शेवी उठ गई है, और शेवी अब जल्दी नहा के रेडी हो रही है, और बस अब नहा के हम निकल जाएंगे फटाफट यहाँ से, क्योंकि हमें कैंपिंग करनी है आज। और आज सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मौसम भी साफ है, धूप निकल आई है ये देखो। तो भाई हम नहा धो के हो गए रेडी, और इधर भाई ने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी, और हम भी बस अब हल्की सी ब्रेकफास्ट करके और निकलते हैं भाई, हल्का करना है नहीं भाई, ट्रैवलिंग में हल्का ही करते हैं। ये देखो इधर हमने रोटियां बना दी, सब्जी हमारे पास कुछ रात की बची हुई है, और चाय के साथ बढ़िया खा के और निकलते हैं। सबसे लेट लतीफ कपल निकल ही आया आखिर अपने रूम से, है ना, और सबसे लेट तो शेवी ने किया है, मेरे मुझे ऐसा लग रहा है, मम्मी कह रही थी सबसे लेट शेवी ने किया है ना शेवी बेटा। यस बोलो बेटा। तो भाई इधर से हमारी गाड़ी रेडी हो गई, एक गाड़ी इधर आई हुई थी अंदर, तो बस इसको निकाल रहे हैं और फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि हमारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी हुई है। तो भाई ये रास्ता था, इससे गाड़ी आनी मतलब बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी आनी बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है, चलो यहाँ से जैसे तैसे आ भी जाती लेकिन वहाँ से नहीं आ सकती, तो इसलिए हमने गाड़ी को पुल के उस पार खड़ा कर दिया, और अपनी जो दूसरी गाड़ी है उस गाड़ी को अंदर लेके आ गए, क्योंकि उसमें खाने का जो सामान था वो सारा उसी में था। भाई जो रास्ता वो बिल्कुल एक्यूरेट ही है, उसे एक इंच भी ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ यही गाड़ी आ सकती है, छोटी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती यार। ये देखो रास्ता, इस रास्ते से गाड़ी लेके आए, और ये है वो जो पुल जिसमें से रात को हमारी गाड़ी क्रॉस हुई, और ये गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस हुई, अभी दिखाते कैसे हुई है। तो ये देखो भाई कितनी एग्जैक्ट गाड़ी आएगी ना, बिल्कुल फिट हो गए, है ना, मेरी तरफ। इधर आने दो, सही है। ये देखो इस कंडीशन में निकल रही है गाड़ी, चलो 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 चलो, आ गई आ गई आ गई। और आप देखो बिल्कुल
फिट होके निकल रही गाड़ी। ये देखो, पर भाई बहुत मुश्किल होता है, जो लोग रेगुलर चलते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो ये देखो आप, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट। और शीशे अगर कहते हो, शीशे तो बिल्कुल है ही नहीं। चलो निकल गई फाइनली अपनी गाड़ी, सामने खड़ी हुई है हमारी गाड़ी है। अनुपम भाई बैग लेके निकल चुके हैं घर की तरफ, मैं पहले अनुपम भाई को छोड़ूंगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे सांगढ़। वो खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, अपना बीटल। भाई जो रास्ता ऊपर जा रहा है सांगढ़ की तरफ, हम पहले जा रहे हैं सेंज वापस, क्योंकि अनुपम भाई को छोड़ना है। अनुपम भाई वापस घर जा रहे हैं और फिर हम वापस आएंगे। जब तक मैं राज भाई को बोल देता हूँ कि वो यहाँ से निकल जाएंगे सीधा सेंज के लिए ना, उसके लिए सांगढ़ के लिए ना। तो भाई अनुपम भाई को छोड़ दिया और वापस निकल गए। पर ये देखो जहाँ धूप है ना वहाँ तो ये मानो कि बस अलग ही लेवल आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई दो तीन दिन से बिल्कुल धूप नहीं देखी थी, ठंड ज़्यादा थी, और जैसे आज धूप में बैठे ना तो मानो मतलब बॉडी को एक एनर्जी मिल गई एक्स्ट्रा, और भाई इतना मज़ा आया कि पूछो ही मत, दिल खुश हो गया। मतलब हम आधा घंटा बैठे होंगे, आधे घंटे में मज़ा आ गया, और अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर ही सांगढ़ की तरफ। और शायद हो सकता है हमें लगेंगे यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट मैक्सिमम। तो चलो चलते हैं और सांगढ़ दिखाते हैं आपको। तो जो ये एरिया है ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और ये देखिए इसका गेट भी है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का। और हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आगे से ऊपर रास्ता चढ़ जाएगा सांगढ़ के लिए, क्योंकि जो सांगढ़ का एरिया है वो सारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का ही एरिया है। तो भाई हम सांगढ़ की तरफ निकल गए और लगभग 7 किलोमीटर है यहाँ से सांगढ़, कोई ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 7 किलोमीटर में भी हमें ना करते करते भी 25-30 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ये जो भी रास्ता है ना पूरा ऐसा ऐसे स्ट्रिप चढ़ाई है, तो भाई इतना टाइम तो लगेगा ही। बीच बीच में गांव आते रहेंगे। देखो सामने भी एक छोटा सा गांव दिख रहा है, ये देखिए ऐसे ही गांव आते रहेंगे ऊपर तक। भाई अब चल गया है ऑफ रोड, ये सारा ऊपर तक टूटा हुआ है रोड, ऑफ रोड ही मानो आप, कहीं कहीं रोड दिखता है कोई कॉर्नर पे, अदरवाइज टोटली ऑफ रोड है। और भाई व्यू देखिए यहाँ से आ रहा है ज़बरदस्त व्यू, सामने स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं और हम ऑलमोस्ट टॉप पे हैं। तो ये सामने देखिए इधर से, और हम मेरे ख्याल से शायद आई थिंक 2 किलोमीटर पहले हैं, और अगली 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सांगढ़। तो भाई हम सांगढ़ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बिल्कुल सांगढ़, ये जो आप दिख रहा है ना राइट साइड में, ये सारा सांगढ़ का एरिया है। ये सामने अगर देखोगे तो वो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आ जाता है। और भाई इधर हमें मिल गए हमारे प्रेम भाई, क्योंकि आज इन्होंने ही हमारा अरेंजमेंट किया हुआ रुकने का और बैठने का। भाई है प्रेम राणा, प्रेम राणा, प्रेम राणा पूरा नाम भाई का, प्रेम राणा है। कभी भी आप आते हो ना किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हमारे, सिर्फ जो लोग ओवरलैंडर है ना उनके लिए है ये, एक्चुअली में इनका अपना गेस्ट हाउस वगैरह नहीं करती है। जी जी, हम आ गए, मैं और प्रेम भाई आ गए मेन ग्राउंड में यहाँ पे घूमने के लिए थोड़ा सा। ये सामने है ग्राउंड, अभी आपको छोटा दिख रहा है लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत बड़ा मिडवे है। ये देखे, और ये देखिए लोग यहाँ पूरा गांव टूरिस्ट सब आते हैं आराम से धूप में लेट जाते हैं। ये इनका टेंपल है, क्रिकेट भी चला आज, और वो देखिए पहाड़ पे क्रिकेट, मतलब देखो किस कंडीशन में खेलते हैं लोग जी। आपको दिख रहा है एक टीम नीचे खेल रही है, ये देखिए, ये देखिए एक टीम नीचे खेल रही है और ऊपर लोग आराम से चारों तरफ। ये बड़ा स्टेडियम है, और ये स्टेडियम किसी ने बनाया नहीं, बना हुआ है, बना हुआ है। ये पहाड़ है, ये देखो वाइट स्नो पीक्स। और बर्फ कब तक थी भाई? अभी भाई अब भी तो क्या देखो, हाँ ये देखो ना अभी है इसमें, अब भी खत्म हुई है। और लेकिन जब आप बर्फ के टाइम में आते हो ना, ओ उस दिन तो उस दिन ये पूरा व्हाइट होता है, पूरा व्हाइट, और नजारा ही अलग हो जाता, सब कुछ चेंज हो जाता है। शायद कल की प्रेडिक्शन थी बट नहीं हो पाई। और हमें राज भाई भी मिल ही गए आखिर, ये देखिए ये सामने राज भाई आ रहे हैं। और ये है इधर से, मैं आपको दिखाता हूँ गांव, ये है गांव, ये गांव अपना सांगढ़ का ही है ना, ये सांगढ़ का देवता सिंचूर जी की महादेव जी का मंदिर। ये है इनका यहाँ का मेन जो टेंपल है,
ये माना जाता है, उसके बाद इनके छोटे छोटे टेम्पल्स है, बट जो इनके इस एरिया का मेन देवता है वो ये सबसे मेन देवता जो है। और ये पीछे पूरा जो एरिया देख रहे हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का एरिया है। तो भाई हम यहाँ घूम लिए, थोड़ी मस्ती की, फ़ोटो वगैरह खींचे और अब जा रहे हैं हम लोकेशन की ओर। पर भाई पहाड़ों पे जब चढ़ना पड़ता है ना, सांस ऐसे फूल जाती है, एक तो ठंड है और एक चढ़ाई। ये देखो सबसे आगे चली हुई शैवी, उसके पीछे राज भाई, उसके पीछे भाभी, और ये प्रेम भाई, और सबसे पीछे हम। और हम संगढ़ से थोड़ा सा आगे निकल गए क्योंकि हम लोकेशन देख रहे हैं कोई अच्छी सी, तो बस मेरे ख्याल से शायद आधा एक किलोमीटर आगे निकल के वहीं देखेंगे लोकेशन। प्रेम भाई है ही अपने साथ, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। व्यू तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त है, पर प्रॉब्लम ये है कि आगे गाड़ी नहीं जा पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा है टाइट और स्नो है, तो गाड़ी स्किप कर रही है बार बार। पर देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो ज़रूर करेंगे, अगर व्यू अच्छा हुआ तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। एक मिनट, हम पहुँच ही गए ऑलमोस्ट व्यू पर। तो भाई फाइनली लोकेशन हो गई है फाइनल, और ये है हमारी आज रात की लोकेशन, ज़बरदस्त है। ये देखिए ये स्पेस है हमारा जहाँ पे हम रुकेंगे, पर आसपास स्नो ही है। और इससे आगे हमने ट्राई किया था बट एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इससे आगे है ना, जहाँ पे भी हम जा रहे थे ना, तो ये मतलब जो ब्लैक आइस थी ना वो बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। और इन केस देखो ना आप, बादल हैं, अगर इन केस अगर रात को बर्फ़ आ जाती है ना तो यहाँ से निकलना आसान है, बट जो दूसरी जगह थी ना आगे वहाँ से निकलना नामुमकिन था। वहाँ पे वो जो बता दो ना, वो जो मेरी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी वहाँ पे। और शैवी अब देखना, शैवी को नजर पड़ गई है स्नो पे, और शैवी अब सीधे जाएगी स्नो पे। इसको स्नो और पहाड़ों। भाई अब बारी है अपने ओनिंग की, क्योंकि आज हम ओनिंग ही खोल रहे हैं, क्योंकि ओनिंग के अलावा कुछ खोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मौसम ऐसा ही है। तो अगर इनकेस क्लोज करना पड़ा तो ओनिंग इजिली क्लोज कर सकते हैं, और ठंड भी आज थोड़ी सी ज्यादा होगी तो मच बेटर है कि ओनिंग खोलेंगे और जो नीचे हमारे कार के अंदर है सोने का, हम उसी को मैनेज करेंगे। प्रेम भाई चल पड़े हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास 20 लीटर है, फिर भी हो सकता है मे भी हमें ज़रूरत हो। तो अभी जा रहे हैं आगे से पानी लेके आएंगे, और फिर जब तक लंच के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी। ये पवन, ये प्रेम भाई का गांव ही है, तो इसमें हम एक घर में जा रहे हैं नीचे पानी लेने के लिए, क्योंकि ऊपर मेन रोड पर तो कहीं था नहीं, तो नीचे गाँव से ही लेके आएंगे। और इधर पानी हमारा पहुँच चुका है, और शैवी लग गई है गेम खेलने के लिए। मैं और प्रेम भाई चल पड़े हैं जंगल से लकड़ी लाने के लिए, नीचे से कुछ लकड़ियां हमने देख ली हैं, बस उठा के लेके आनी है, तो अभी लेके आते हैं। ये देखो प्रेम भाई घुस गए हैं नीचे जंगल में और वहां से लेके आ रहे हैं, और देखो लकड़ियां। तो भाई हमारी, हम लकड़ियां ले आए हैं, पानी ले आए हैं, और इधर भाइयों ने कर दी है लंच की शुरुआत। भाई क्या खिला रहे हो आज? बनेंगे पोहे और चाय। पोहे और चाय लंच में? पक्का? पक्का। कितनी देर में मिल रहा हमें? 10 to 15 minutes में। 10 to 15 minutes? Yeah. अगर 10 to 15 minutes में नहीं मिलता तो क्या करना है ये बताओ? तूफान मचा देना है, हल्ला मचा देंगे हम दोनों, नहीं मैं और शैवी। अच्छा अभी अभी शैवी कुछ खा रही है, काम मिल ही गया है। दोनों भाई मिल के मटर छीलेंगे, तब तक भाभी उस पर तड़का मार रही है। हमारा लंच बनता है, हम भी मेरे ख्याल से बेड सेटअप कर लेते हैं, फिर आराम से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फिर कोई काम रहेगा नहीं, आराम से फिर बैठेंगे एक दो घंटा एडिटिंग करेंगे, और उसके बाद फिर लगेंगे डिनर के लिए। तो भाई इधर रेडी हो ही गए, उधर भाभी जी ने काट दिए प्याज, और इधर दूध गर्म हो रहा है, पहले शैवी को मिलेगा और फिर हमें मिलेगी चाय। ये प्याज चॉपिंग हो गया, और ऐसे ही बस टमाटर को भी 4 पीस में काटा और इसमें डाल दिया, अपने आप से हो गया। और शैवी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब नंबर आएगा खाने का। और शैवी है ना, खाते वक्त तो बोलती ही नहीं है, शैवी में तो ये अच्छा ही है ना शैवी, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। और हमने संभाल लिया चार दोनों भाइयों ने, तो अब हम कर रहे हैं कुकिंग, और पोहा डाला और बस हो जाएगा हमारा 5 मिनट में तैयार। तो भैया भी काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हैं हम, हेल्प कराते हैं भाई। तो भाई हमारा सोने का सेटअप भी हो गया रेडी, ये देखो
ये 4x6 का है, तो आराम से मैं चिल हो गए जैसे मर्जी सो सकता हूँ। मेरे कंबल और वो उसमें गाड़ी में रखे हुए हैं, उस गाड़ी में ये देखो शेवी के पास रखे हुए हैं। तो भाई आज राजस्थानी स्टाइल से मिलेगा पोहा भी, क्योंकि आज कुक हमारे राजस्थान से हैं। आपने देखे होंगे पहले मेरे कई वीडियोस में हैं, बट फिर आपको दोबारा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये राज भाई हैं, ये भाभी जी हैं, और शेवी बैठी हुई है अंदर, और इनके चैनल का नाम है ट्रैवल विद शेवी। हमें तो मिल गया, बाकी अब देखते हैं, बाकी सब वेट कर रहे हैं क्योंकि सब धनिए वाले, मैं एक बिना धनिए वाला। इसे बोलते हैं भूख, छोड़ दिया सब कुछ चलता हुआ। ये देखो चाय निकाल दी भाई ने, हाँ जैसे ही लगा ना, हाँ भाई पेट भरा, छोड़ो बोला सब कुछ। इधर है ना प्रेम भाई की वाइफ भी आ गई है, ये एक्चुअल में यहाँ से ट्रेवल कर रही थी, तो इन्होंने ये देखो यहाँ पे जो लोकल जो फूड होता है ना, ये एक्चुअल में इनके फेस्टिवल पे बनाते हैं। ये देखो क्या चीज है, ये बगरू बोलते हैं इसको। हम एक्चुअल में हमारे गुलगुलों की तरह देसी में गुलगुले बोलते हैं, बनाते इनको पूरे महीने। ये मीठे होते हैं महीने में, हाँ स्वीट लोहड़ी के टाइम। हाँ ये थैंक यू सो मच भाभी जी। कम से कम देखो यही के यही मिल गया सब कुछ, और भाभी जी चेक करके बता रही हैं। अच्छा है वही है जो अपन पोहे बनाते हैं, मैं वही एक्चुअली पता क्या, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क और नहीं काफी हमें टेस्टी करना। तो हमारा पंछी हो गया रेडी उड़ने के लिए, ये देखो, और अब इसकी देखते हैं फ्लाई क्या दिखाती है हमें आसपास के एरिया में। बस 5 से 10 मिनट के आसपास ही उड़ाएंगे, और फिर क्योंकि हम सुबह दोबारा फ्लाई करेंगे इसको ना। अभी ये सेटेलाइट देखो आप, एक्चुअल में क्या होता है जब तक ये सेटेलाइट जो आपको दिख रही है ना इसमें, ये देखो ये धीरे धीरे जैसे ही अब येलो हो गई, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी ना तभी इसको फ्लाई करेंगे हम। सो गुड इवनिंग अगेन दोस्तों, शाम के बजे में 5 और हम लंच कर चुके हैं आराम से, थोड़ा रेस्ट भी किया है, और अभी थोड़ी सी करेंगे एडिटिंग। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको। सो दोस्तों शाम को हम क्या करते हैं, क्या डिनर बनाते हैं, बोन फायर करेंगे शाम को, तो वो आप देख पाओगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने कमेंट्स करके बताया करो कि आपको जगह कैसी लगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही या कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो इसी के साथ हम करते हैं बाय बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।